हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एडवांटेज क्या होता है मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड, जो कि हमारा था डिटरमिनेशन ऑफ क्लियरेंस को डिटरमाइन करने का मेथड था। फिर देखेंगे डिसएडवांटेज और देखेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ रेनियल क्लियरेंस। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया, इससे दो पार्ट बना चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था रेनियल क्लियरेंस क्या होता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। फिर देखा था न्यूरॉन्स जो नर्व्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होता है जो कि एक्सक्रीशन को अफेक्ट करता है। जो सेकंड पार्ट में हमने देखा था मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्लियरेंस, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज और सिग्निफिकेंस ऑफ रेनियल क्लियरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ, पहले देखते हैं एडवांटेज, DVANTAGE। एडवांटेज ऑफ मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड की, ये रैपिड मेथड होता है एंड ईजिली इससे हम इस्टीमेट करते हैं क्लियरेंस और ईजिली डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। ये एक तरह का रैपिड मेथड होता है, रैपिड एंड ईजिली डिटर्मिनेशन ऑफ क्लियरेंस। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कैलकुलेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट नॉन लीनियर चेंज इन द क्लियरेंस रेट। कैलकुलेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट नॉन लीनियर चेंज इन द क्लियरेंस रेट। सो जो कैलकुलेशन होता है वो नहीं बताता है हमें किसी तरह का नॉन लीनियर चेंज इन क्लियरेंस रेट में, नॉन लीनियर चेंज। अगर अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस देखते हैं ऑफ रेनियल क्लियरेंस का, CANC, सिग्निफिकेंस ऑफ रेनियल क्लियरेंस। सो जो सिग्निफिकेंस होता है, डिफरेंट सिग्निफिकेंस है और रेनियल क्लियरेंस का। सबसे पहला जो है हमारा, मेजरमेंट ऑफ रेनियल क्लियरेंस इज द प्राइमरी वैल्यू। सो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, मेजरमेंट ऑफ रेनियल क्लियरेंस इज ऑफ प्राइमरी वैल्यू इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। इसे जो रेनियल क्लियरेंस होता है, ये हमारा प्राइमरी वैल्यू जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन को। सो मैकेनिज्म किस तरह से ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। जो सेकेंड हमारा सिग्निफिकेंस होता है, सेकेंड सिग्निफिकेंस है, इट कैन यूज टू कैरेक्टराइज एनी प्रोसेस ऑफ ड्रग रिमूवल बाई इन द जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये इट कैन बी यूज टू कैटेगराइज एनी प्रोसेस ऑफ ड्रग रिमूवल इन द किडनी। इसको हम यूज करते हैं, रेनियल क्लियरेंस को यूज कर सकते हैं हम किसी भी प्रोसेस को कैटेगराइज करते हैं करने के लिए जो कि प्रोसेस हो रहा है किडनी में रिमूवल करने के लिए, ड्रग को रिमूवल करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम कैटेगराइज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है, सो जो थर्ड पॉइंट हमारा था, देयर आर मेनी अदर एरियाज वेयर अ नॉलेज ऑफ दिस पैरामीटर मे बी वाइटल। जो फोर्थ पॉइंट आता है, इफ रेनियल एक्सक्रीशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल इलिमिनेशन, अगर जो रेनियल एक्सक्रीशन कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इलिमिनेशन में ऑफ अ ड्रग, दैट इज रेनियल क्लियरेंस इज अबाउट 50% और मोर टू द टोटल क्लियरेंस। तो जो हमारा रेनियल क्लियरेंस होता है वो 50% के करीब होता है और मोर ऑफ टोटल क्लियरेंस। जैसे कि हमारा क्लियरेंस होता है, रेनियल क्लियरेंस होता है, नन रेनियल क्लियरेंस होता है। नन रेनियल क्लियरेंस में हमारा आता है हिपैटिक क्लियरेंस आता है, पल्मोनरी क्लियरेंस, ग्लैंडुलर क्लियरेंस। तो ये जो रेनियल क्लियरेंस होता है ये 50% कंट्रीब्यूट करता है इलिमिनेशन में, अपना योगदान देता है 50%। इसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, सो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, मेजरमेंट ऑफ रेनियल क्लियरेंस का मेजरमेंट करते हैं, मे आल्सो कंट्रीब्यूट टू एन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन, इससे हम स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हिपैटिक क्लियरेंस क्या होता है, इंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।